हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं केतन केमिकल्स का पिछली बार मैंने पिछली बार की अपडेट में मैंने बताया था कि ये स्टॉक एक डब्ल्यू पैटन फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न उसका फॉलो नहीं हुआ क्यों इसका रीज़न ये था कि इसका जो वॉल्यूम है इसमें बहुत ही बड़ा डिग्रोथ आया यहाँ पे अगर आपको देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स जो हैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गई है इसकी तो उसके कारण एक ये अपट्रेंड में जा नहीं पाया तो यहाँ पे उसके अलावा एक और चीज़ पर अगर फोकस करें तो यहाँ पे ये भी चीज़ बताई थी कि अगर निफ्टी में एक सपोर्ट निफ्टी ने अगर सपोर्ट होल्ड करके ऊपर चला गया तब जाके अपट्रेंड में आएगा तो यहाँ पर निफ्टी भी सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाया उसके कारण इसका ये वाला जो सपोर्ट था लोकल सपोर्ट जो है इनिशियली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो ये वाला होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आ गया तो ये वाली चीज़ के कारण इसमें मेन जो ये वाला जो रीज़न है उसके कारण यहाँ पे जोन में आ गया तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ भी आपको वापस एक्मिडेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अपने इस स्टॉक में क्योंकि ये स्टॉक बहुत जल्दी एक अप ट्रेंड में आ जाएगा इसके अलावा अगर इसके शॉर्ट टर्म व्यू पे हम लोग फोकस करें तो ये तो हम लोगों लोग का हुआ लॉन्ग टर्म व्यू उसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म व्यू पे फोकस करें तो यहाँ पे स्टॉक जो है अभी अपने ये वाले जोन में है तो जैसे मैंने आपको बता देता हूँ कि ई एम ए टू हंड्रेड और टू हंड्रेड एम में क्या है कि जब कभी भी जैसे ये नीचे वाला जो है ये 50 ई है और ऊपर वाला जो है वो 200 हंड्रेड है तो जब कभी भी ये 50 ई नीचे से उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक अपसाइड होता है मतलब एक बुलिश बुलिश पैटर्न होता है यूजुअली तो यहाँ पे भी मेरे को एक लग रहा है कि यहाँ पे ये वाले यहाँ पे कुछ टाइम में ये नीचे से अप यहाँ पे जाएगा और स्टॉक ऐसे ऐसे इसके ऊपर सपोर्ट लेके जाएगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक हर समय इसके ऊपर सपोर्ट लेके वो आगे आगे जाते जा रहा है यहाँ पे जा रहा है और जब कभी भी फॉर एग्जांपल अगर जब जब कभी भी ये स्टॉक अपने जैसे ऊपर से अगर फिफ्टी एम ने इसको क्रॉस करा जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर से इसने फिफ्टी एम ने टू हंड्रेड एम को क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या है एक डाउन ट्रेंड में आ गया तो ये वाली चीज़ जो होगी फिफ्टी एम होगा वो एक रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा यहाँ पे तो वो एक इम्पॉटेंट चीज़ है समझने के लिए कि ये जब कभी भी फिफ्टी एम नीचे होगा तो ये एक रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा जब कभी भी फिफ्टी एम के ऊपर जाएगा तो वो एक सपोर्ट जैसे काम करेगा तो ये था कि कैथन के केमिकल्स का एक Ik view longer, do hit subscribe to my channel and also like the videos. Thank you.